नमस्कार, मैं राजीव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम आज शिक्षा में सुनी निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIITI द्वारा संकलित एक रोचक व विनोद नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT प्राइमरी बोर्ड के कक्षा 1 के हिंदी विषय की पुस्तक रिमझिम के पाठ 23 सात पूछ का चूहा में एक नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस नवाचार का वीडियो देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIITI की कई नवाचार के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। पाठ का सार, प्रस्तुत पाठ का सारांश यह है कि सात पूछ का चूहा कहानी उड़ीसा के चित्रपट शैली पर आधारित है और इसमें चूहे के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि सबके मन की बात मानकर सबको खुश रखने में अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। नवाचार की नवीनता, इस नवाचार की नवीनता या उपयोगिता यह है कि कक्षा के छात्र सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली तथा व्याकरण कौशल को बढ़ाते हैं और गतिविधि का आनंद लेते हुए सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं। आइए इस नवाचार के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को देखते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को पढ़ाए जा रहे पाठ में निहित शब्दावली, नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द पर समझ विकसित करने के लिए पुनः अध्ययन की अवधारणा के साथ लागू करते हैं। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है। इसमें पूर्व प्रबंधन के तौर पर रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटे से बॉक्स की व्यवस्था करनी पड़ती है। शब्द सागर गतिविधि के निर्देश, गतिविधि को शुरू करने से पहले शिक्षक यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि सभी विद्यार्थियों ने सात पूछ का चूहा की पूरी व्याख्या को अच्छी तरह से समझ लिया है। गतिविधि कराने से एक दिन पहले सभी विद्यार्थियों से पाठ में आए एक नए शब्द को पर्ची पर लिखकर या संबंधित चित्र बनाकर लाने के लिए कहा जाता है। शिक्षक रंगीन चार्ट पेपर से बॉक्स को विद्यार्थियों से ही सजवाते हैं और उस पर शब्द सागर लिख देते हैं। गतिविधि के नियम बताते हैं और सभी विद्यार्थियों को समान रूप से भाग लेने का अवसर भी देते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा पर्ची पर लिखे गए नए शब्द को शब्द सागर बॉक्स में डाल दिया जाता है। फिर किसी एक विद्यार्थी को बुलाकर डाली गई पर्चियों में से एक पर्ची को निकालने के लिए कहा जाता है। वह पर्ची निकालता है और उस पर लिखे गए शब्द को ऊंची आवाज में बोलता है और शब्द से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट की जानकारी देता है। आइए इस क्रियान्वयन को उदाहरण से समझते हैं। एक विद्यार्थी आगे आकर पर्ची उठाता है जिस पर चूहा शब्द लिखा है। विद्यार्थी पर्ची देखकर बोलता है चूहा, फिर शब्द से जुड़े कॉन्सेप्ट की जानकारी देता है, जैसे चूहा एक नाम वाला शब्द है। दूसरा विद्यार्थी आगे आता है, एक दूसरी पर्ची उठाता है जिस पर खेलना शब्द लिखा है। विद्यार्थी पर्ची देखकर शब्द बोलता है और शब्द से जुड़े वाक्य की जानकारी देता है, जैसे खेलना एक काम वाला शब्द है। विद्यार्थियों द्वारा वाक्य या शब्द ना बोल पाने की स्थिति में शिक्षक उनकी मदद करते हैं या वे चित्रों को देखकर वाक्य निर्माण करके बोलते हैं। गतिविधि के समापन के साथ विद्यार्थियों को नए नए शब्दों के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। आइए इस नवाचार को लागू होने से प्राप्त होने वाले लाभ और प्रतिफल के बारे में जानते हैं। इस गतिविधि से पाठ से शब्दों का चुनाव करके उन्हें पर्चियों पर लिखने और शब्दों को विषय वस्तु के साथ जोड़कर बोलने से समझने में और स्मरण क्षमता में वृद्धि होती है। विद्यार्थी हिंदी वर्णमाला के अक्षरों की ध्वनि को पहचानते हैं, शब्दों के अर्थ जानते हैं और वाक्य बनाना सीखते हैं। इससे विषय वस्तु के साथ भाषा का भी ज्ञान बढ़ता है। पढ़े पाठ के बारे में बातचीत करते हैं, अपनी राय देते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जिससे उन्हें कॉन्सेप्ट की समझ विकसित होती है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, विनम्रता एवं सहयोग के मूल्यों और प्रभावी संप्रेषण एवं गहन सोच के कौशल का विकास होता है। यह नवाचार बाल केंद्रित है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी होने से NCF 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। इस नवाचार में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षक सात पूछ का चूहा पाठ को एक निर्धारित माह में पढ़ाते हैं
और बच्चे रोचक अभिनव नवाचार के साथ गतिविधि का आनंद लेते हुए पढ़ाई करते हैं। इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि जेट आई आई ए आई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जेट आई आई ए आई के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।